हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। साथ में बात करने वाला हूं आप लोगों से अक्षय कुमार और रजनीकांत की फिल्म 2.0 के बारे में। जी हाँ, ये फिल्म इंडिया में रिलीज हुई थी 29 नवंबर 2018 में और इस फिल्म का जो बजट था वो 550 करोड़ के ऊपर था। इस फिल्म ने अपना बजट तो कहीं ना कहीं से रिकवर किया, लेकिन इस फिल्म को वो जो हिट टैग है वो नहीं मिल पाया। अब वो इसलिए भी क्योंकि आई थिंक इसका बजट बहुत बड़ा था और वीएफएक्स के हिसाब से सबसे बड़ी फिल्म है इंडिया में और कॉस्टलीस्ट के हिसाब से भी सबसे बड़ी फिल्म है। सबसे ज्यादा खर्च करके बनाई जाने वाली फिल्म है। अभी यहाँ पे एक बड़ी अपडेट्स पता चल रही चाइना से। लास्ट ईयर हमें ये पता चला था दिसंबर वगैरह में एक बड़े तौर पर रिलीज होगी, सबसे ज्यादा 3D स्क्रीन इसको मिलेंगे चाइना में, वो खबर तो सच्ची है। अभी यहाँ पे एक बड़ी खबर ये है कि इसे रिलीज डेट मिल चुकी है जो है जुलाई 12, 2019, यानी जुलाई 12, 2019। करंटली काबिल रिलीज होगी 5 तारीख को चाइना में, 5 जून को, उसके बाद लगभग एक महीने के बाद रिलीज होगी 2.0। तो अब देखना है कि 2.0 क्या कमाल दिखाती है चाइना में। लेकिन हाँ, मुझे उम्मीद है कि रजनीकांत या फिर अक्षय कुमार या एस शंकर जरूर जाएंगे चाइना में थोड़ा सा प्रमोशन करने, तो ज्यादा मजा आएगा। फिलहाल आप कितने होपफुल हैं इस फिल्म के चाइना रिलीज को लेकर, कितनी कमाई कर सकती है, क्या लगता है क्या नहीं, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।